हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी सीयूईटी का एंट्रेंस है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉमन एंट्रेंस लेंगे आपका एडमिशन्स के लिए, यूजी के लिए। तो उसका सिलेबस के लिए एक दो स्टूडेंट्स की मेल आई थी, तो सिलेबस प्लस हम जैसे वीडियोज़ तो बना ही रही हैं, स्ट्रेटेजी वीडियोज़ हैं आपकी, तो ये सिलेबस रहेगा आपका। और वैसे मोस्टली सिलेबस आपका क्लास ट्वेल्थ है ना, उसका ही रहने वाला है। लाइक जो स्टूडेंट्स हरियाणा बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं या नेदर, तो उसमें हमने देखा था कि एनसीईआरटी ने रिपब्लिश किया था सिलेबस, तो आपके 6 चैप्टर को उसमें हटा दिया गया था। तो हरियाणा बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अगर वो सीयूटी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जिन्होंने ट्वेल्थ अभी पास की है और वो आपका सीयूटी एग्जाम्स देंगे, तो उनके लिए वो जो 6 चैप्टर एनसीईआरटी ने तो हटा दिए, बट आपको इसके लिए करना होगा। लाइक सॉलिड स्टेट उसमें उन्होंने हटा दिया था, केमिकल काइनेटिक्स था, एक जनरल प्रिंसिपल वाला था, पी ब्लॉक था, ठीक है, सरफेक्स केमिस्ट्री था बोल, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये चैप्टर्स को उन्होंने रिमूव कर दिया था, बट आपको एंट्रेंस के लिए ये पढ़ना ही होगा। अब इसमें हम बात करें तो देखिए, आपका सॉलिड स्टेट को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में देखिए क्या क्या टॉपिक हैं, उनको हम हाईलाइट करके आपको बता देते हैं, आप करोगे खुद से। तो अब देखो आपको एक क्या करना है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार अगर आप वेटेज की बात करेंगे तो उसमें आपका 5 to 7 क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे और 40 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करनी है, तो 10 क्वेश्चन की आपके पास च्वाइस भी रहने वाली है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या है, बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स क्या है, मोलिकुलर आयनिक कोलेंट। वैसे हमने सॉलिड स्टेट के काफ़ी नोट्स भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, काफ़ी वीडियोज़ हैं सॉलिड स्टेट की, तो आप वहाँ से कर सकते हो। पैकिंग एफिशिएंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक नंबर में पूछ लिया। लाइक बॉडी सेंटर्ड के लिए आपसे पूछ लिया, देख पढ़ा है ना आपने, बॉडी सेंटर्ड है, होता है एक आपसी, तो उनके लिए पूछ सकता आपसे। जैसे टू डायमेंशनल में वॉइड मैंने बताई थी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं, ठीक है, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनसे गैप्स के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, मेटल कंडक्टर्स बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये सॉलिड स्टेट का सिंपल सा सिलेबस है। देन हम चलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस में तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये उन्होंने बोर्ड के एग्जाम्स में भी प्रिपेयर किया था और अब इसका सीयूटी में भी आने वाला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, वैसे टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन की हमने बताया था, लाइक आपका मोलरिटी है, नॉर्मलिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शंस, फॉर्मलिटी, ये ऑल कंसंट्रेशंस की यूनिट से आपका न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, यूनिट पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देन हमने सोल्यूबिलिटी भी डिस्कस किया था, सॉलिड इन लिक्विड के लिए भी, कि नेचर ऑफ सोल्यूट क्या होगा, सोलवेंट क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी चैनल्स के ऊपर। फिर गैस इन लिक्विड के लिए हमने हेनरी लॉ का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था, सॉलिड सॉल्यूशंस भी बता दिए थे 2 टाइप के। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बचता बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपको पता है कि आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो रॉयड्स लॉ में ही आ जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और बाद में आपका वोंटो फैक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट आपका सॉल्यूशन चैप्टर के लिए। अब चलते हम यूनिट 3 आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम बात करें, अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ना है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में क्या होगा, स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंसंट्रेशन, कोलार्स लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से तो आपका न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं कोलार्स लॉ से, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनिक सेल्स हैं, जितने टाइप की जो सेल्स आपने सिलेबस में पढ़ी होगी वही है। ईएमएफ कैलकुलेट करना पूछ लिया, कैथोड का दे रखा है, एनोड का, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, कोरोजिन क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ में क्या रिलेशंस है, जो रिलेशन पढ़ते हैं ना कि डेल जी इक्वल टू आपका किसके इक्वल होता है, माइनस एनएफ इनोट, वो सारा थिंग्स पढ़ना है आपको। अब देखो केमिकल काइनेटिक्स में सारा इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन का रेट देखना है आपको, फैक्टर अफेक्टिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, या कई बार क्या देगी, एक क्वेश्चन दे देगी आपको, ऑर्डर पूछ लिया, मोलिकुलरिटी पूछ सकते हैं आपसे, या न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपसे हाफ लाइफ से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या जीरो ऑर्डर से, या तो आपको रेट का क्वेश्चन पूछ लेंगे, के रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो, या आपको हाफ लाइफ टाइम से, और अरहेनियस इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लिए। देन हम बात करें सरफेक्स केमिस्ट्री, तो सरफेक्स केमिस्ट्री जो बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, लाइक हरियाणा बोर्ड की हम बात करें, तो उनके लिए उनके सिलेबस में हटा दिया था, तो उन्होंने ये रीड नहीं किया होगा। तो सबसे पहले तो आप ये ट्राई करो कि ट्वेल्थ का जितना भी सिलेबस है जो आपने बोर्ड, वो अच्छे से कर लो, बाद में जो आपके चैप्टर्स बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आए बट जो सीयूटी ने इंक्लूड कर रखे हैं, तो उन चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखो सरफेक्स केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको सरफेक्स केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पढ़ना होता है, कि फिजॉर्प्शन क्या होता है, कीमोजॉर्प्शन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, एडजॉर्प्शन गैसेस का ऑन सॉलिड पे, कैटालिसिस बताओ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का, ठीक है, तो ये पढ़ना है आपको, जैसे ब्राउनिंग मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कोगुलेशंस क्या है, तो ये सारे सरफेक्स केमिस्ट्री के टॉपिक हैं।
नेक्स्ट बात करें, ये भी आपका बोर्ड के एग्जाम्स की बात करें तो उन्होंने इसको हटा दिया था, बट सीयूटी ने ये भी इंक्लूड कर रखा है। इसमें तो सिंपल एक मार्क्स का आ सकता है, लाइक जिंक के लिए पूछ लिया, आयरन कौन सा, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम के लिए, और मिनरल्स में पूछ लिया डिफरेंस कहाँ से एक्सट्रैक्शन, जैसे बॉक्साइट का क्या, एल्यूमिनियम किसका और है बॉक्साइट का, इस टाइप से फॉर्मूले से पूछ सकते। देन सबसे इंपॉर्टेंट आपका पी ब्लॉक, पी ब्लॉक से भी काफ़ी वेटेज के क्वेश्चन रहते हैं आपसे, कई बार तो वो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पूछ लिया, लाइक आपका 13 ग्रुप है, 15 है, 16, कौन सी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछ लिया, ऑक्साइड से पूछ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, आप पढ़ते हो ना नाइट्रोजन्स के हैं या सल्फर के हैं, एलोट्रोपिक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पी ब्लॉक में आपको ग्रुप 15, ग्रुप 16, 18 सभी को अच्छे से पढ़ना है, इसमें कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ओक्जो एसिड इंपॉर्टेंट रहता है और एक इंटर हेलोजन, डिफरेंट टाइप के ओक्जो एसिड में कि उनमें कंपेरिजन करवा लेता है कई बार रिएक्शंस का, या एसिडिटी पूछ लिया आपसे, ठीक है, तो ये वैसे वैसे आपसे पूछ सकता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक आपका जो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, कई बार तो वो डायरेक्ट स्टेटमेंट होती है, लाइक आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हो, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से अराइज होता है, लाइक आपसे पूछ लिया कि LAOH3 है, एक LUOH3 है, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक रिएक्ट रखेगा, तो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन से अनपेड इलेक्ट्रॉन जैसे म्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करवाता है वो क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लेता है, तो उसके लिए तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पता होगी। तो ट्राई करो कि डी ब्लॉक की 21 से 30 तक तो आपको पता ही होनी चाहिए, कि 21 से स्कैनेडियम से लेकर आपका जो जिंक है 30 वाला, तो वहां तक आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें एक्टिनाइड में, अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये हमने चैनल के ऊपर भी कवर कर रखा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड नहीं होता आपका सीयूटी के एग्जाम्स, आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने जो सब्जेक्ट मान लो कि आपने केमिस्ट्री चूज किया तो केमिस्ट्री के आपको 50 क्वेश्चंस मिले, मैथ चूज किया तो मैथ के मिलेंगे, और साथ में जो जर्नल एप्टीट्यूड टाइप बोल सकते हैं जर्नल, उसमें सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकता है एक आधा क्वेश्चन, तो उस टाइप का मिलेगा, बट मेन अगर आपने सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया तो आप इजिली उसको क्रैक कर सकते हो। 1 मार्क्स में, 1 मार्क्स में कई बार आयोपैक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या वर्नर थ्योरी की जो स्टेटमेंट थी ना वहां से, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछते हैं आपके VBT से क्वेश्चन पूछ लिया या CFT से। CFT में तो आपसे पूछ लेंगे टेट्राहेड्रल ऑक्टेट जैसे वैल्यू देंगे, किसकी CFC सबसे ज़्यादा होगी, ये क्वेश्चन पूछ लिया मान लो, या इसमें पूछ लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया आपसे, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर मतलब ज्योमेट्री होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके हमने पहले से ही बताया कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। फिर आपका आ जाता है हेलो अल्केन, हेलो एरीन, तो उसमें क्या होता है कि हेलो अल्केन में आपका सबसे पहले अलग अलग टाइप, जैसे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना सबसे पहले वो अच्छे से कर लीजिए, जैसे हेलो एरीन्स आपका, अब इसमें पूछ सकते हैं आपसे, अब आपने ये चैप्टर अगर अच्छे से किया होगा तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आई हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना। कई बार 1 मार्क्स में इनका यूजी से भी आ सकता है, जैसे आप ये डाइक्लोरोमीथेन है, आइडोफोम है, DDT है, कहाँ पे ही, तो यूज से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनको आपको पढ़ लेना है, जो यहाँ सिलेबस मेंशन है ना तो इसको अच्छे से कर लेना है, तभी हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको सिलेबस का ही, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्या आने वाला है, ठीक है, वही है आपका 12th का सिलेबस, अगर आपने अच्छे से कर लिया जितने भी यूनिट्स दे रखी हैं तो आपका हो जाएगा। एटलीस्ट ट्राई करो, जैसे टोटल अगर 15 यूनिट है तो 10 तो आपकी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन का तो आपको ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम अल्कोहल, फिनोल या ईथर की बात करें, तो यहाँ पे फिनोल में जैसे डाउज प्रोसेस हो गया, या और रिएक्शंस हैं आपकी इसमें वो भी पूछ सकते हैं आपको, अल्डोल कंडेंसेशन वैसे आ सकता है नेम रिएक्शंस में, कैनिंजेरो रिएक्शंस होती है। अब देखो नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तो इनमें भी जो भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है सबसे पहले तो वो देखो आपका कौन सा है, केमिकल रिएक्शंस को डायरेक्ट देखे, नेम ना पूछ के वैसे पूछ ले क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया तो आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। अमीन्स चैप्टर्स में भी पूछ सकते हैं, लाइक इनको सेपरेशन के टेस्ट भी आ जाते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट हम करते हैं, क्या उसमें रिएजेंट होता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। फिर आपका बायोमोलिक्यूल है, तो यहाँ पे कई बार तो पूछ सकते हैं जैसे एपीमर बताओ, एनोमर बताइए, कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम पढ़ते हैं ना अलग अलग के लिए, यानी फिशर सिंथेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एमीन वाले में क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर आपका हार्मोन दे रखा है, ये आपको उसमें नहीं है,
आपने उसमें नहीं किया होगा आपका बोर्ड के सिलेबस में, तो ये इन्होंने एक्स्ट्रा है, आप देख लेना। विटामिन, विटामिन कितने टाइप, विटामिन ए बी सी इस टाइप की क्लासिफिकेशन, और उनके फंक्शन से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहते हैं। और डीएनए और आरएनए को भी आपको अच्छे से कर लेना है, इनके जो बेसिस होते हैं ना डीएनए में जैसे कितने होते हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। पॉलीमर में क्या करो कि जितने भी इंपॉर्टेंट है उनके मोनोमर अच्छे से याद कर लीजिए, लाइक लाइन नायलोन की क्या होने वाली है, जो इंपॉर्टेंट है बैकेलाइट की क्या होने वाली है, जैसे बैकेलाइट की फॉर्मलाइट फिनोन बोलती है, नायलोन दो भी टाइप के होते हैं उनके देखो, तो ये डायरेक्ट मोनोमर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में तो क्या है कि जो भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव है लाइक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आ गया, या सोप डिटर्जेंट वाला जो केमिकल रिएक्शन है उससे सोप का कई बार फार्मूला पूछ लिया आपसे, या कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ट्रांसक्वेलीजर क्या होता है, एनालजेसी क्या होती है। तो बस जितना अब देखो इसमें कुछ अलग नहीं था, जो आपका ट्वेल्थ का सिलेबस है वही सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर आपने अब ये भी नहीं है कि स्टूडेंट मैम बुक नहीं है, बुक की क्या आपके पास ट्वेल्थ की बुक है केमिस्ट्री की, उसको लो अच्छे से रीड करो, अभी तो आपने एग्जाम भी दिया तो आपको याद होगा। और जो ये 5 से 6 यूनिट आपके नहीं आई, मान लो आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या किसी अनदर जिसमें 6 यूनिट नहीं, तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लाइक ट्राई करो कि 3 तो अच्छे से कर लो, ठीक है। अगर 15 है तो उनके हाफ तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए तभी आप कर पाओगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो उसमें से आपको 10 का तो रिलैक्सेशन मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है, 40 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो इस वीडियोस में हमने सिलेबस को डिस्कशन कर लिया है, हम नेक्स्ट जो वीडियोस लेके आएंगे और एक स्ट्रेटजी वीडियोस भी देखेंगे हम कि कैसे हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, 2 मंथ से भी लेस टाइम, आपको अच्छे से कैसे क्वालिफाई कर सकते हो आप सीयूटी एग्जाम्स को, ठीक है। इस वीडियोस में यही था, अगर आपको सीयूटी रिलेटेड या अन्य कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस कर पाएँ, ठीक है। और वीडियोस आप चेक करोगे ना चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, तो हमने 700+ वीडियोस का कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो। सीयूटी की देखोगे तो अरिहंत बुक के जो भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एंट्रेंस में आते हैं वहाँ उनके क्वेश्चन भी डिस्कशन कर रखे हैं, विद उनकी आंसर की भी दे रखी है, ठीक है। और अगर एक आप वो चेक कर सकते हो सुपर अमेजिक ट्रिक नाम से, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें लाइक 20 से 30 वीडियोस तो मिलेंगी वहाँ, वो आपको अगर टाइम है आपके पास नहीं आता तो उनको भी, कई स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी देखोगे कमेंट या मेल के थ्रू भी बताया था कि मैम उस सीरीज से काफ़ी हेल्प हुई, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, लाइक रेडियल नोड से पूछ लिया क्वेश्चन, आपका बोरिन वाले से पूछ लिया, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेटर वाले, तो हमने उसमें क्या कर रखा है कि जो डायरेक्ट एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स वाले हम बात कर रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने 2 से 3 घंटे भी एक दिन में लगा लिए, सारी वीडियोस वॉच कर ली, तो आपका कम से कम 20 मार्क्स का कंटेंट तो उन्हीं वीडियो से कवर हो जाएगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं हमने वो भी कवर कर रखे, तो आप उनको ट्राई करना कि उनको वॉच कर लीजिएगा, तो जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको नोट भी कर सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है या कोई शॉर्ट ट्रिक हमने डिस्कस कर रखी है वो ऑल थिंग्स। होप है आप सभी को वीडियोज जो भी हम अपलोड कर रहे हैं उनसे कुछ यूजफुल बेनिफिट मिल रहा होगा, आपको हेल्पफुल रहा होगा आपका स्टडी के लिए। अगर लगता है कि आपको नहीं हो रहा तो आपको चैनल वॉच करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी चैनल आप यूट्यूब पे देखते हो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जैसे जरूरी नहीं कि आप मेरा चैनल देखो, कोई भी अच्छा चैनल जिसमें लगे आपको सारा कंटेंट है वहाँ पे, आपको समझ भी अच्छे से आता है तो आप उसको फॉलो कीजिए, बस जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से करना है आपको, आपका मेन टारगेट पर्पज क्लियर होना चाहिए, लाइक आपको सीयूटी का एंट्रेंस क्लियर करना है और अच्छे मार्क्स से करना है, तो आपको प्रायोरिटी जो भी आपने चूज करोगे आप यूनिवर्सिटीज जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए और आप अपने फर्दर स्टडीज़ को आगे प्रोसीड कर पाओ, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक अभी से कि आप अच्छे से स्टडी कीजिए और जो भी आप चाहते हो आपको वही यूनिवर्सिटीज मिल जाए। थैंक यू एंड पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग।